वीडियो देखिए आप, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो विधायकों के ऊपर हाथ पैर चला रहे हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है। उधर अगर बाहर से लोग आकर के हाथ जूता चप्पल चला दें तो यह कहाँ से उचित है। जब जब हम लोगों ने आवाज़ उठा करके ये सरकार को सचेत करने की कोशिश की है, तब तब हमारी आवाज़ दबाई गई। सदन बाहर है, हम लोगों की जब रिक्वायरमेंट अंदर नहीं होगी तो हम जनता की आवाज़ बाहर से ही उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़, मैं हूं अंकिता सिंह। मानसून सत्र के तीसरे दिन लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सदन के बाहर हंगामा चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी, इनसे जानते हैं कि आज ये लोग क्या करने वाले हैं आज। देखिए, हम लोगों का सदन बाहर है, हम लोगों की जब रिक्वायरमेंट अंदर नहीं होगी तो हम जनता की आवाज़ बाहर से ही उठाएंगे। आप लोग कब तक हम सदन के बाहर हंगामा करेंगे? वो तो अब जो भी हम लोगों को आदेश मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गलत हुआ है और गलत को गलत हम लोग बोलने के लिए यहाँ पर हैं। सही अगर कुछ होगा तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, कुछ चीज़ें सही हुई। लेकिन जनता के द्वारा हम लोग चुने गए हैं और ये लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है। उधर अगर बाहर से लोग आकर के हाथ जूता चप्पल चला दें तो यह कहाँ से उचित है, यही सबसे बड़ी बात है। दो लोगों को सस्पेंड किया गया? नहीं, तो उसमें तो बहुत सारे वीडियो देखिए आप, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो विधायकों के ऊपर हाथ पैर चला रहे हैं, उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। कांस्टेबल को आप लोगों ने हटा दिया, तो बलि का बकरा बना दिया उन्हें। हाँ, असली जो मुजरिम है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं या नहीं? देखिए, विपक्ष में हम लोगों ने पहले से ही बोला था कि अगर हमारी सरकार होती तो 10 लाख हम लोग रोजगार देते, लेकिन अब इन लोगों ने 20 लाख का वादा किया और अभी तक कुछ ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले सदन में जो हंगामा हुआ, जो बसलू की विधायकों के साथ की गई, उसके बाद आज तीसरा दिन मानसून का सत्र का है, लेकिन हेलमेट लगा करके आ रहे, विरोध प्रदर्शन करे, चले ये भी सही है, लेकिन और भी तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास, जैसे बाढ़ बीबीसी का बोले या फिर बेरोजगारी बोले, हर दिन जो भी पास आउट है वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। जब जब हम लोगों ने आवाज़ उठा करके ये सरकार को सचेत करने की कोशिश की है, तब तब हमारी आवाज़ दबाई गई है। तो फिर ऐसे में क्या रह जाता है, तो फिर सदन कैसे चल रहा है? एक तरफा सदन अगर चलेगा तो फिर हमारी ज़रूरत तो उधर महसूस नहीं हो रही हमें। जब हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो हमारी कोई आवश्यकता उधर नहीं है, तो फिर हम अपना सदन उधर ही चलाएंगे, जनता के बीच में चलाएंगे, जनता के सामने चलाएंगे। क्या लग रहा है, नेता प्रतिपक्ष आ जाएंगे? देखिए, आएंगे तो वो तो है। तो ये थे हमारे साथ शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी, और इन्होंने सीधे तौर पर अपने बात को रखा, इनके बातों को रखा, विपक्ष की बातों को सुना नहीं जा रहा, इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।